मैं मोदी के शब्दों से ही अपनी बात को शुरू करता हूं। पीएम मोदी का कहना है, जीवन कितना लंबा हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। इतिहास से सीख मिलता है, इतिहास से प्रेरणा मिलता है। एज ए बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी सब अगम जम मारे मौके स्टेट के जनरल सेक्रेटरी उनका बीजेपी लोग का की मैन ऑलराउंडर श्री नालू मुझे जी नुनग होके पार्टी के टिकट कारोबारी हम चिन मुझ जब जिर ओके उनग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोग का कैबिनेट बे दून उनग ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री बागला साहब जब जिर वो कोशिश करता है वो जस्ट 7 मिनट्स लोग कंप्लीट लाफ लगो कोशिश रहे एक लो आंग में आज वो स्पीड में जाफ लंग ट्राई रहे रिन में नुनु नरु चेंगाम ल रदु अरुणाचल को रिकॉर्ड मन में मेक मेगो खादु रिगदोला में मो हिलो सिर्फ एक ता रिकॉर्ड को नुन ने मेक मोना को जप्पा जरे उनु के बासर के एनपीपी बीजेपी एमएलए का अरुणाचल को सिटिंग एमएलए नुनु अरुणाचल की हिस्ट्री हमने उनका खतो का पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने नुन को अरुणाचल पॉलिटिकल हिस्ट्री लो और बीजेपी हमने एमएलए हमने बूथ तुपला बूथ तुपलेंगर ला हम नो या दिल ओचिन नो 4.5 इयर्स से कंप्लीट दम अब रिजनेशन जिम्मा दो सरे सर 4.5 इयर्स को बीजेपी एमएलए बे मोलेन पाव कला हम पोल पिप्पी को पिंगो को न्यूम दौर कुम ने नो ओगो लास्ट अटेम्प्ट ने मार्च मत गुला नोके ऐसे दिए आर्यम त्रय तो कला हम आएगा आसम कातम नम लगा बे नो पब्लिक नो 4.5 इयर्स को खेलो नो बागन में शुरू दो रिक दोला में अरुणाचल के हिस्ट्री लो फर्स्ट टाइम नो तेनुरंग कंप्लीट हम अब नींज को दोम पाला एनपीपी बीजेपी हमने बहुत तुम गद उन मैकुर कुमा मजर कुमा नो लंज आदक आम आदक मा जावे को अंग्रम में 2 साल पहले से ही रिजिनेशन का नोक कार्यक्रम शुरू हुआ। आज तक अरुणाचल का इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ सिटिंग एमएलए को बैठते हुए ऐसा कभी रिजिनेशन नहीं दिया, वो भी एक नहीं दो नहीं पांच नहीं हजारों के मात्र में। माँ जावक को अंग्रम होगो बीजेपी रिजाइन फ्रॉम गोकर बसार जॉइन बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम दिर्ची एमला होगो रिला 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 हिलो लोगे नुनको जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रिपोर्ट तंग का के बा मान के चलो 4000 गो एनपीपी लोग बहुत तुम लगा दे ऑन रिकॉर्ड लो रिजनेशन हम जिगाम ला हो अंदर द लीडरशिप ऑफ मैडम दिर्ची एंड नोक पार्टी बीजेपी लो ज्वाइन का हिम ओगो लेटर पाला लेप लगो नुन हमने मेन दगना नो उनका डेमोक्रेसी लो उनका मालिक है। डेमोक्रेसी लो मालिक जो है जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन हो कि बासरों का पब्लिक मुनग आया हमने मुनग विश्वास हमने नोक दीर्च में दंग के प्रति मिग लीडरशिप एम फेथ ला मिग फ्यूचर हमने गुन अल्ब गुनुग लफारा दम रख दुख दे दो हम ला मुनग अलग पीत हमने होगो कादम तब हिलो नुनु काल रे दू इतना ह्यूज गैदरिंग में थरना हुआ। अच्छा ओक साथ लोग दा नुनु का दू एक शुभ चिंतक होता वेल वेसर नॉर्मली नो रिटायर्ड ना ऑफिसर गद सीनियर सिटीजन गद आखिर आखिर हमने एज ए मॉरल सपोर्ट में आशीर्वाद हम जीतू रिगदोम में बासर में पहले बार ये भी हो रहा है नुनु देख रहा है उन बासरों के नॉर्थ इन 5 नंबर्स इन 10 नंबर्स 40-50 नंबर्स में उनके नौकर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट एजुकेशनिस्ट गद मांगुन का नम ने मैदान नम ने गुन का मोरल सपोर्ट है पीमा हम लोग सिर्फ शुभ चिंतक नहीं है हम लोग मैदान में उतरेगा अंग्रेज में आज देखे हम मैदान में उतर के आया है क्योंकि मुर्ग मुनु एज ए इंडिविजुअल मुनु नरु सेल्फ सफिशिएंट कोई चीज की कमी नहीं है
लेकिन मुनु एक एज ए सीनियर सिटीजन एक रिटायर्ड क्लास ऑफिसर में रिल्दू उदलाम मुनु मधु मुनग लफारा दाग फ्यूचर काकिन पर लगे और हिम काकिन में मनम लगा वह मुन इस प्रेजेंट लीडरशिप ने मुनु नकार दिया आपसे होने वाला नहीं है बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव में मैडम दिर्ची को इन लोगों ने चुना है कि आप आगे बढ़िए हम सिर्फ मॉरल नहीं हम फिजिकली फाइनेंशियली सारा सब कुछ आपको सपोर्ट करते हैं अंग्रेज मैमून यहाँ आज मैदान में उतर आया है हिगम नरु अंकाल दोकला सीनियर सिटीजन के पब्लिक उस अंकाल दोकला में 1 point मेमोरेंडम मतलब 1 point रेजुलेशन गो मुनग मंदल ती मान्य बासर का मंदल थिरबिन का मंदल नोक नरु मोर्चा 5 मोर्चा डिस्ट्रिक्ट यूनिट एकता रेजुलेशन को पास तू अमर अगम रेजुलेशन ने गो मुनग आदरणीय एक महामंत्री पार्टी का महामंत्री श्री नालंग मिर्जा जी ओके मुनग हिग कैबिनेट मिनिस्टर अनबुल बगर सार ने मुनु हिम रिपोर्ट ने जीता तकना मुनु हम रेजुलेशन ने मुनु का पार्टी होक डिस्ट्रिक्ट यूनिट हम लातु मैदम का संघर्ष को देखते हुए मैदम का साफ नीयत को देखते हुए उसका मेहनत को देखते हुए वो टीम को जिस तरह से आगे ले जा रहा है बीजेपी को आगे बढ़ाने में जो उसने संघर्ष किया है उसे ध्यान में रखते हुए सब ने एक रेजुलेशन लिया है कि इस दफा जो है 2024 में ये आपका एमएलए का जो कैंडिडेट जो है बीजेपी का तरफ से अनडिस्प्यूटेड मैदम ने एक रेजुलेशन ने एडोप का हिगम ने और मैदम को अगर ये उनका हाई लेवल टिकट कमिटी है आशीर्वाद देता है और इजाजत देता है बीजेपी से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो मैं आपको आज यहाँ से ऐलान करता हूँ अपना 30 साल का राजनीतिक अनुभव को लेके कि बसर में 2 चीज होगा पहला शायद हो सकता है यहाँ चुनाव ही ना हो चुनाव होने का संभावना बहुत कम है और मैदम अनकॉन्टेस्ट होगा दूसरा अगर किसी वजह से लोकतंत्र का नाम से अगर चुनाव होता है तो मैडम आगे कितना जाएगा मैं आज नहीं बता पाऊंगा लेकिन विनिंग मार्जिन की जो शुरुआत है वो 4000 से शुरू होगा मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को यहां विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद